बेस्ट लैपटॉप अंडर 70,000। देखो ना तो 1650 जीपीयू बाय करना हमने और ना ही इंटेल का 10th जनरेशन प्रोसेसर, चाहे फिर वो i7 हो या फिर i9 क्यों ना हो। और राइजन की जो 4000 सीरीज है उसे तो भूल ही जाओ, 4800H और 4600H वगैरह। सच्ची यार, अगर 70,000 में भी आपने इनमें से कुछ भी बाय कर लिया ना, आपके सीधा पैसे वेस्ट है। एंड एक और चीज है कि कौन सा लैपटॉप किस पर्पस के लिए बाय करना चाहिए, उसके बारे में भी साथ के साथ बताता रहूंगा। चाहे फिर आप स्टूडेंट हो, ऑफिस यूज, कंटेंट क्रिएटर, सारे एडिटिंग वाले काम करने अपने लैपटॉप पे, एडवांस कोडिंग या फिर आपको हार्ड कोर गेमिंग करनी है। ओके, सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स चेक आउट द बेस्ट लैपटॉप अंडर 70,000 रुपीस। और हाँ, सारे लैपटॉप मैंने सिर्फ H और P सीरीज वाले प्रोसेसर के साथ ही कवर किए हैं। 70,000 लगाने एंड U सीरीज का प्रोसेसर तो भूल ही जाओ, चाहे फिर वो 12 जनरेशन क्यों ना हो। सबसे पहला लैपटॉप है Acer Aspire 5, 64,000 रुपीस इसका करंट प्राइस है। एंड इस बजट का ये लैपटॉप वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है। देखो, इसकी जो टॉप लिड है वो मेटल की है एंड बॉटम प्लास्टिक है। एंड ये लैपटॉप इस बजट का टोटली ऑलराउंडर लैपटॉप है। अब चाहे फिर आपने गेमिंग करनी हो और या फिर आपको थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहिए स्कूल या फिर कॉलेज के लिए, एंड इस पे आपके सारे काम हो सकते हैं, लाइक कोडिंग, गेमिंग हो जाएगी आपकी लो एंड मीडियम सेटिंग्स पे, 4K एडिटिंग कर पाओगे, मल्टी लेयर सिंपल 4K वीडियोस एकदम ही आसानी से एडिट हो जाती हैं। चाहे फिर आपने डिजाइनिंग का काम करना है, आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए, वो भी आपको इस लैपटॉप में मिल जाएगा। इंटेल का प्रोसेसर है इंटेल कोर i5 1240p, पी सीरीज का प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस आपको एकदम ही बेस्ट मिलने वाली है। एंड उसी के साथ ही 16GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, DDR4 रैम है 3200 MHz वाली। आपने इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आपने लैपटॉप बाय करना है ना, उसके अंदर जो रैम है उसके मेगाहर्ट्ज जरूर चेक करने हैं, हायर इज बेटर। एंड इसकी जो रैम है दैट इज एक्सपेंडेबल अप टू 32GB, टोटल दो स्लॉट्स हैं इस लैपटॉप में। 512GB की SSD मिल जाती है, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 inches की फुल HD IPS डिस्प्ले है, 60Hz का रिफ्रेश रेट है, 45% NTSC, 60% sRGB, 250 nits की ब्राइटनेस। एंड GPU की बात करें तो NVIDIA GeForce RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, VRAM GDDR6 4GB, 35W TGP वाला, विंडोज 11 एंड MS Office हमें ट्रायल वर्जन पे मिल जाएगा। देखो, सभी नेसेसरी पोर्ट्स की सपोर्ट मिल जाती है लैपटॉप में। एंड इसका जो बैटरी बैकअप है दैट इज अराउंड 3 hours। बैकलिट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट रीडर भी दिया गया है। ये इस बजट का वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है, आपने इसे जरूर कंसीडर करना है। मेरी तरह से हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है, प्रोफेशनल यूजेज एंड उसी के साथ ही ओकेजनल गेमिंग, ये दोनों काम इस लैपटॉप पे एकदम ही स्मूथली रन होते हैं। बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जस्ट गो फॉर इट। अगला लैपटॉप है असूस का, असूस वीवोबुक S15 लैपटॉप। देखो, 73,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है, लेकिन डिस्काउंट वगैरह ऐड करने के बाद ये लैपटॉप आपको अंडर 70,000 रुपीज में इजीली मिल जाएगा। आप में से जिसे भी प्रोफेशनल यूजेज के लिए एक लैपटॉप चाहिए ना, तो ये लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। थिन एंड लाइट लैपटॉप है, बट एकदम ही पावरफुल प्रोसेसर के साथ आता है। स्कूल एंड कॉलेज के काम हो गए एंड उसी के साथ ही कोडिंग, एडिटिंग या फिर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, ये सब कुछ एकदम ही स्मूथली रन होगा इस पे। इंटेल कोर i5 12500H प्रोसेसर है, 12 जनरेशन वाला, 16GB की रैम मिल जाती है, जिसमें से 8GB रैम ऑनबोर्ड है, DDR4 3200 MHz वाली, बट इसकी जो रैम है ना दैट इज नॉट एक्सपेंडेबल, हम उसे एक्सपेंड नहीं कर सकते। 512GB की SSD मिल जाती है लैपटॉप में, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 2TB। देखो, इसकी जो डिस्प्ले है ना, वो आपको दूसरे किसी भी लैपटॉप में इतनी बढ़िया डिस्प्ले नहीं मिलेगी इन दिस प्राइस रेंज। 15.6 inches की फुल HD OLED डिस्प्ले है, सबसे पहले फुल साइज डिस्प्ले है एंड ऊपर से OLED डिस्प्ले है। 60Hz का रिफ्रेश रेट है, 100% DCI-P3, 600 nits की ब्राइटनेस। तो आप में से जिसे भी डिजाइनिंग करनी है अपने लैपटॉप पे, तो ये लैपटॉप आप सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि इसकी डिस्प्ले के जो कलर्स एंड कंट्रास्ट वगैरह मिलते हैं ना, आपको दूसरे किसी भी लैपटॉप में इतनी बढ़िया डिस्प्ले नहीं मिलने वाली। इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स है लैपटॉप में, विंडोज 11, MS Office 2021, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, सभी नेसेसरी पोर्ट्स की सपोर्ट मिल जाती है, अलॉन्ग विद दैट थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी दी गई है इस लैपटॉप में। एंड इसके बैटरी बैकअप पे थोड़ा ध्यान दो। देखो, कंपनी क्लेम करती है कि इसका जो बैटरी बैकअप है दैट इज अराउंड 8 to 10 hours, बट ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली यूज करने पे ये लैपटॉप अराउंड 5-6 घंटे तक इजीली चल जाएगा। एंड इसके जो एडिशनल फीचर्स है ना, वो सुन के आप एकदम ही खुश होने वाले हो। सबसे पहले मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, विच सिंपली मींस कि इस लैपटॉप की जो ड्यूरेबिलिटी है एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो अनबीटेबल है। इस पे बहुत ही ज्यादा टेस्टिंग होती है इसकी बिल्ड क्वालिटी को काफी बढ़िया करने के लिए, तो इसे आप थोड़ा बहुत रफली भी यूज कर सकते हो। एंड सिंपल चीज है कि अगर इस लैपटॉप की ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, तो इसकी जो लाइफ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है, बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया। एंड इसका भी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला लैपटॉप HP की पवेलियन सीरीज का, HP पवेलियन 15, 72,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है एंड इस बजट का वन ऑफ माई फेवरेट लैपटॉप है। देखो, इसे मैं पर्सनली काफी देर से यूज कर रहा हूँ एंड इसमें मुझे 1% की भी कोई दिक्कत नहीं मिली परफॉर्मेंस के सिनेरियो में एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी के सिनेरियो में। ओवरऑल देखा जाए, ये लैपटॉप टोटली वर्थ इट है। इंटेल कोर i5 1240p प्रोसेसर है, लेटेस्ट एंड पावरफुल प्रोसेसर है, 16GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, 3200 MHz वाली डुअल चैनल रैम है ऑनबोर्ड, जिसे हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512GB की SSD मिल जाती है, विच इज एक्सपेंडेड
एक्सपेंडेबल 15.6 इंचेस की फुल एचडी आईपीएस एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी गई है। इसकी डिस्प्ले काफी बड़ी है, 100% sRGB है, 45% NTSC, 300 निट्स की ब्राइटनेस। इंटेल के आईरिस ग्राफिक्स, विंडोज 11, एमएस ऑफिस 2021, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ ही इसका जो बैटरी बैकअप है दैट इज अराउंड 5 to 6 आवर्स। देखो, बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है लैपटॉप में, रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है, 50% बैटरी सिर्फ आधे घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है। बिल्ट इन अलेक्सा को सपोर्ट करता है, टॉप रेट विद आवर वॉइस कमांड, फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया। वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल लैपटॉप है अंडर 70,000 रुपीज। अब बात करते हैं हार्डकोर गेमर्स की, MSI कटाना GF66, 70,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। इस पे आपकी गेमिंग के साथ ही जो एडिटिंग है ना वो बहुत ही इजीली हो जाएगी, और आप में से जैसे भी हैवी 3D मॉडलिंग करनी है तो आप भी इसे जरूर कंसीडर करो। एंड इस लैपटॉप में मैंने हर चीज करके देखी है, चाहे फिर वो एडिटिंग हो और या फिर गेमिंग हो। इंटेल कोर i5-12450H प्रोसेसर है, 12 जनरेशन वाला, 8 कोर्स 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। प्रोसेसर की सारी डिटेल्स आपके सामने है। 8GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, DDR4 3200 MHz वाली। एंड एक चीज है कि इसकी जितनी रैम एक्सपेंडेबल है ना नहीं, एक्सपेंशन का ऑप्शन आपको दूसरे किसी भी लैपटॉप में नहीं मिलने वाला। 64GB तक की रैम को ये लैपटॉप सपोर्ट करता है, यानी कि 64GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं, विच इज अ ह्यूज प्लस पॉइंट। 512GB की SSD मिल जाती है, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एक्स्ट्रा M.2 स्लॉट दी गई है लैपटॉप में। 15.6 इंचेस की फुल एचडी आईपीएस लेवल डिस्प्ले है, प्योरली गेमिंग डिस्प्ले है इसकी, क्योंकि इसके अंदर हमें 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 45% NTSC एंड 250 निट्स की ब्राइटनेस। NVIDIA GeForce RTX ग्राफिक कार्ड दिया गया, GDDR6 4GB वाला 3050 विद 60W TGP। विंडोज 11 के साथ ही सभी नेसेसरी पोर्ट्स की सपोर्ट मिल जाती है लैपटॉप में। 3-4 घंटे तक ये लैपटॉप आपका इजीली चल जाएगा ऑन नॉर्मल यूजेज। देखो, सिंगल कलर रेड बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाएगा लैपटॉप में, लेकिन उसी के साथ ही 2 सालों की वारंटी मिल जाती है। तो बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कि बाकी सभी लैपटॉप के कंपैरिजन में ना आपको 2 सालों की वारंटी, यानी कि डबल वारंटी मिल रही है पहले से ही। अगला लैपटॉप है Acer Nitro 5 गेमिंग लैपटॉप, 73,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है, लेकिन ये लैपटॉप आपका इजीली अराउंड 70,000 में या फिर 71,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे इजीली मिल जाएगा। नो डाउट के प्लास्टिक बिल्ट है, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया, ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी है इस लैपटॉप की। इसके अंदर भी हमें लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया, इंटेल कोर i5-12500H 12 जनरेशन वाला H सीरीज का प्रोसेसर है। परफॉर्मेंस तो एकदम ही बेस्ट मिलने वाली है आपको, 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 8GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, DDR4 3200 MHz वाली, विच इज एक्सपेंडेबल टू 32GB। लैपटॉप के थर्मल्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, परफॉर्मेंस के मामले में एकदम ही 20 लैपटॉप है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 512GB की SSD मिल जाती है, विच इज एक्सपेंडेबल। इसके अंदर में एक्स्ट्रा 2.5 इंच स्लॉट दी गई है, जिसे यूज करके हम इसकी स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। 15.6 इंचेस की फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले है, 144Hz का रिफ्रेश रेट है, एंड डिस्प्ले के बाकी सारे स्पेक्स आपके सामने है। बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है इसकी। NVIDIA GeForce RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 4GB वाला GDDR6, लेकिन देखो 95W TGP वाला GPU है, यानी कि जितने भी लैपटॉप मैंने को अभी तक की वीडियो के अंदर बताए हैं ना, उनमें से सबसे बेस्ट GPU इस लैपटॉप का है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इस लैपटॉप पे आप एकदम इजीली नहीं कर सकते। विंडोज 11 के साथ ही सभी नेसेसरी पोर्ट्स हैं इस लैपटॉप में, एंड बैटरी बैकअप अराउंड 3-4 घंटे तक का इजीली मिल जाएगा आपको ऑन नॉर्मल यूजेज। 4 जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड है, एंड सिंपल चीज है कि देखो, अगर आपको लैपटॉप के बारे में कुछ भी नहीं ज्यादा पता ना कि मुझे कौन सा प्रोसेसर बाय करना चाहिए, कितनी रैम होनी चाहिए उसके अंदर, एंड आपने अपने लैपटॉप पे हैवी काम करने हैं, तो आप Acer Nitro 5 गेमिंग लैपटॉप को बाय कर सकते हो 100%, क्योंकि एक तो इसका जो प्रोसेसर है वो वन ऑफ द बेस्ट है, एंड ऊपर से एकदम ही तगड़ा ग्राफिक कार्ड दिया गया है। एंड जहां पे रैम की बात रही, अगर आपको 8GB की रैम कम लगती है तो उसे हम कल को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। बट एनीवेज, ये पांचों के पांचों लैपटॉप्स एकदम दी बेस्ट हैं 70,000 के प्राइस पॉइंट पे, बेस्ट लैपटॉप अंडर 70,000। तो आपको इन पांचों में से जो भी लैपटॉप बढ़िया लगता है ना, जस्ट गो विद दैट ऑप्शन। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो उसे आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी हो तो प्लीज यार इसे लाइक एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Peace out.